सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की खबरें पाएं सबसे पहले। एशिया कप में हांगकांग के खिलाफ 8 विकेट से पहला मैच जीतकर बेहतरीन शुरुआत करने वाली पाकिस्तान टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने अगले मैच के लिए प्रतिक्रिया दी है। भारत के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले को जीतने के लिए उन्होंने खिलाड़ियों से श्रेष्ठ खेल दिखाने की बात कही। सभी क्षेत्रों में बेहतर खेल से भारत को हराने का बयान उन्होंने दिया। वहीं आपको बता दें, भारतीय टीम के खिलाफ मुकाबले को लेकर अहमद ने कहा कि हमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। आगे उन्होंने कहा कि हमें गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग सभी तीनों श्रेणियों में उम्दा खेल दिखाना होगा। वहीं आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच अहम मुकाबला 19 सितंबर को होगा। वहीं रोहित शर्मा टीम के कप्तान हैं। हांगकांग के खिलाफ मैच के बाद पाक कप्तान ने कहा कि नई गेंद से स्विंग नहीं मिल पा रही है, हमें और अधिक अच्छा खेल दिखाना होगा। वहीं दुबई में खेले गए एशिया कप 2018 के ग्रुप ए के पहले मैच में पाकिस्तान ने हांगकांग को 8 विकेट से हराकर एक तरफा जीत हासिल की थी। हांगकांग की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 116 रन बनाकर ढेर हो गई थी, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 24वें ओवर में ही सिर्फ 2 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का इंतजार सभी को रहता है, इस बार भी कुछ ऐसा ही है, तो आप भी इस रोमांचक मैच के लिए तैयार रहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। क्रिकेट की पल पल की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यही मिलेंगी।